चलो किसी को कुछ पूछना है प्रश्न तो पूछो। गुरुदेव हाँ जी, आध्यात्मिक विचारधारा ने अंदर के आध्यात्मिक वस्तु वस्तु मन के साथ में हम जुड़े हुए हैं और कभी हमारी जिंदगी में आध्यात्मिक में सर्वोच्च शिखर पे भी हम कार्य करते हैं और कभी कभी एकदम हमारे डाउनफॉल भी आता है और मन में विकार और हमारे क्रोध राग द्वेष में आते हैं, तो हमारे जीवन में समतल लाने के लिए और हमारी आत्मिक प्रगति के लिए हमको क्या करना चाहिए? निरंतर पुरुषार्थ, प्रार्थना और पुरुषार्थ, बराबर है। आध्यात्मिक बात तो आपने कही, अच्छी बात है, लेकिन आमतौर पर अध्यात्म का विचार भी कितने मनुष्यों को आता होगा, यह भी एक सवाल है। अधिकांश तो लोग अपने संसार के कार्यों में इतने व्यस्त रहते हैं कि आत्मा का विचार भी 24 घंटों में कितनी सेकंड भी आता होगा कि नहीं, ये भी एक सवाल है। तो प्रार्थना और पुरुषार्थ, जिस भी विषय में हमारी शक्ति कम पड़ती हो उस विषय में अनंत शक्तिमान, अनंत गुणवान, करुणा सागर ऐसे परम तारक अरिहंत परमात्मा को प्रार्थना करें, उनसे शक्ति मांगे। यथाशक्ति पुरुषार्थ भी करना है और साथ में परमात्मा से प्रार्थना के द्वारा शक्ति भी मांगनी है। बाकी तो जैसे समुद्र में ज्वार और भाटा बढ़ती ओट, ज्वार भाटा आता ही रहता है, इसी प्रकार से साधना के अंदर भावों की कभी कभी ज्वार आता है, कभी भाटा आता है, यह क्रम कुदरती है। प्रत्येक साधकों को इस अवस्था में से पसार होना ही होता है। महान योगी राशि आनंदन जी महाराज, उन्होंने भी भगवान श्री कुंथुनाथ भगवान के स्तवन में वास्तव में तो क्या कहा है, मनडू किमहि न बाजे हो कुंथु जी न, मनडू किमहि न बाजे, जिम जिम जतन करीने राखो तिम तिम अलगू भाजे। हाँ, ये हमारे सबकी स्थिति का उन्होंने बयान किया है। उनकी स्थिति तो बहुत अच्छी थी, फिर भी ऐसे महापुरुषों में के जीवन में भी सूक्ष्म रूप से भी भीतर में भावों में चढ़ाव उतार जो आता है ना, वो भी उनको बहुत खटकता है। इसीलिए ये महापुरुष अपने छोटे छोटे जो दोष होते हैं, सूक्ष्म दोष, वो भी उनके बड़े पहाड़ जितने दिखाई देते हैं, और उसमें से भी मुक्त होने के लिए परमात्मा को प्रार्थना करते हैं कि मनड़ू दूराराध्य ते वस आणु आगम थी मति आणु आनंद घन प्रभु माहरवाणो तो साचू करी जानो। इस प्रकार से भगवान को उन्होंने भी पुकार किया कि भगवान मेरा मन भी बहुत चंचल है, हमारी अपेक्षा से उनका मन बहुत स्थिर था, जंगलों में एकांत में रहते थे, निरंतर आत्म साधना में और आत्मा के आनंद में मग्न रहते थे, फिर भी उन्होंने भगवान के सामने ऐसा प्रकार किया है। तो हमारे हमारी साधना में उतार चढ़ाव आवे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, उसमें निराश होना नहीं है, निरंतर पुरुषार्थ करते रहना करते रहना करते रहना चाहिए। प्रभु से लागी रहो मरा भाई, तेरी तो बनत बनत बनी जाए। हाँ, पहले के जमाने में जब ये मोबाइल नहीं थे, डायल घुमाना पड़ता था 10 हाँ कितने है बार, हाँ फिर भी कभी एंगेज आता था, फोन नहीं लगता था, तो आप क्या कर छोड़ देते थे, एक बार लगा दूसरी बार तीसरी बार ऐसे लगाते लगाते कभी न कभी रिंग पहुंच जाती है। इसी प्रकार से पुरुषार्थ करते 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 भले हजारों लाखों बार निष्फलता मिले, फिर भी हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। ये कोई आजकल इलेक्ट्रिसिटी है, तो जो बल्ब जो सबसे पहला किसने खोजा मालूम है, बल्ब की शोध किसने की, कौन सा वैज्ञानिक, थॉमस अल्वा एडिसन। हाँ, हजारों प्रयोग, करीब 36,000 प्रयोग किए, सब में निष्फलता 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 ही होती रही। कई मित्रों ने कहा होगा, अरे भाई छोड़ ये माथा पच्ची, कुछ होने वाला ही है, तू फोकट समय और शक्ति को बर्बाद करता है। नहीं, ये करके ही रहूंगा, आई विल डू डू और डाई, करेंगे या मरेंगे, लगा रहा लगा रहा लगा रहा। तो एक दिन देखो आज पूरे विश्व को कितनी रोशनी जो मिल रही है, तो उसके पीछे कितना खोज, कितने पुरुषार्थ करना हुआ। तो इसी प्रकार से जब तक हमें रिजल्ट नहीं मिले पक्का, सम्यक दर्शन भीत में आत्मा का अनुभव न हो, तब तक हमें पुरुषार्थ करते रहना करते रहना करते ही रहना है। सम्यक दर्शन माने शरीर से भिन्न हम आत्मा है उसका अनुभव, हाँ उसके लिए
जिन भद्र गणिक क्षमा श्रमण ने विशेषावश्यक भाष्य में क्या कहा है, सम्यक दर्शन माने शरीर से भिन्न आत्मा का अनुभव प्राप्त करना, उसके लिए कैसा पुरुषार्थ चाहिए? दोनों हाथों से स्वयं भूरमण समुद्र, सबसे बड़ा विशाल समुद्र जो लास्ट उसको पार करना, कितना कितनी थकान लगती है, हाँ इतना परिश्रम करना होगा, कठोर परिश्रम के दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार ऐसा हुआ, एक मुसलमान बादशाह प्राइम मोहम्मद गजनी का नाम था, तो उसने जिसने अपने भारत के ऊपर बहुत बार चढ़ाई की, 17 बार चढ़ाई की थी, फिर भी सफलता नहीं मिली थी, तो निराश होकर के अपने दीवान खंड में ऐसे रात भर के चिंता बैठा था। ऐसे बैठते बैठते सामने एक दृश्य देखा उसने, क्या देखा, एक छोटी सी चींटी दीवार के ऊपर चढ़ने का प्रयत्न कर रही थी, लेकिन दीवार बहुत ही एकदम निश्चित थी, तो थोड़ा चढ़ करके वापिस गिर जाती थी। दूसरी बार फिर प्रयास किया, फिर भी गिर गई। तीसरी बार, चौथी बार ऐसे प्रयत्न करती गई, 17 बार चढ़ी, 17 बार गिर गई, फिर भी उसने पुरुषार्थ छोड़ा नहीं, और रेखा की 18वीं बार ऊपर पहुंच गई। यह दृश्य देख करके उसको एक हिम्मत आ गई, आश्वासन भी मिल गया, ओह एक चींटी जैसा छोटा छोटे जंतु भी अगर पुरुषार्थ चालू रखता इतनी बार निष्फलता मिलने पर भी तो आखिर सफलता मिल ही गई। इसी प्रकार से आध्यात्मिक साधना में भी चढ़ाव उतार आते रहते हैं, कितने भी महापुरुष हो गए, सबके जीवन में हजारों लाखों करोड़ों बार चढ़ाव उतर आते हैं। जन्म अवस्था ही ऐसी है, अंतर मुझसे ज्यादा परिणाम टिकते नहीं है एक प्रकार के, तो यही स्थिति है। एक शरीर का चढ़ते परिणाम तो कब होता है, जब शपक श्रेणी लगती है, शपक श्रेणी माने 8वें गुणस्थानक से उसका प्रारंभ होता है, और इस काल में हमारे लिए कितने गुणस्थानक ज्यादा से ज्यादा है, 7 गुणस्थानक, उससे आगे क्योंकि हमारा कम संग्रहण जो है कमजोर है, इसीलिए 7वें गुण, वो 7वें गुणस्थान वाले भी कोई लाखों करोड़ों में कोक मिलते हैं, बाकी तो जहाँ तक चौथा गुणस्थानक सम्यक दर्शन उसका भी ठिकाना भी नहीं है। निश्चय से सोचें तो पहले गुणस्थानक भी करीब करीब हम सभी हैं, उसमें भले कर्तव्यता होती है, तो इसीलिए हम अपेक्षा रखें कि एकदम भाव हमारे चढ़ते ही रहे, वो अभी पॉसिबल नहीं है, फिर भी जितना शक्य हो उतना हमें पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। एक क्षण भर के लिए भी अनुभव हो जाए ना, भीतर के आनंद का, आत्मा का अनुभव हो जाए, तो भी हमारे बहुत सारे जन्म मरण सीमित हो जाते हैं। अंतर्मूर्त थोड़ी सेकंडों के लिए भी आत्मा का अनुभव हो जाए तो हमारा संसार परिभ्रमण अत्यंत सीमित, अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्त, वो भी किसके लिए, जो सम्यक तो पा करके जो वापिस मिथ्यात्म में चले जाते हैं उनके लिए है, लेकिन अधिक अगर सम्यक तो टिक जाए तो अधिक से अधिक 15 भव में हमारा मोक्ष हो सकता है, कभी उसी भव में नहीं तो 2-3-4 भवों में, अधिक से अधिक 15 भवों में अगर प्रत्येक जन्म में सम्यक दर्शन हमारा कायम रह सके तो इतना प्रभाव है सम्यक दर्शन का, तो हमें तो पुरुषार्थ करना ही है। कोई आदमी जंगल में रास्ता भटक गया है, घनघोर अंधकार छा गया है, रात का समय हो गया है, तो ऐसे समय में मानो अचानक बिजली चमकी, बिजली का चमकार सेकंडों में होता है, लेकिन उस प्रकाश के अंदर उसको मार्ग दिख गया, पहले ऐसे इधर इधर कहाँ मार्ग होगा, भटकता ढूंढता था, लेकिन क्षण भर के लिए प्रकाश हुआ, मार्ग दिख गया, सही दिशा मिल गई सचिव, अब फिर उसी दिशा में धीरे धीरे चलता रहेगा तो मंदिर तक पहुंच जाएगा। इसी प्रकार से आध्यात्मिक पुरुषार्थ करते 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 क्षण भर के लिए भी भीतर के आनंद का अनुभव हो गया, सच्चा मार्ग मिल गया, ओह जिस आनंद को मैं ढूंढ, सभी जीव ढूंढ रहे हैं, वो आनंद तो मेरे भीतर ही है, मैं कहाँ इधर बाहर इतना दौड़ रहा हूँ, सही दिशा मिल जाती है तो वो भी बड़ी बात है। यही प्रश्न के अंदर खाना पीना रहना उठना ये भी मायने रखता है ना, तो ये दिशा में क्या करना है, जिस समय में जो भी क्रिया शरीर से हो रही है, वाणी से हो रही है, उसी वक्त हमारा उपयोग भी उसमें रहे, मन का ध्यान भी, वृत्ति या लक्ष्य भी उसी में रहे, इसका पुरुषार्थ बार बार करना है।
मन का स्वभाव है या तो भूतकाल में भटकेगा या भविष्य के विकल्प करते रहेगा। वर्तमान क्षण में बहुत कम टिकता है, लेकिन हमें बार 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 पुरुषार्थ यही करना है कि जैसे ख्याल में आया तुरंत वापिस वर्तमान क्षण में जुड़ते रहो। साक्षी भाव से दृष्टा भाव से हमें वर्तमान क्षण में जीना है, चाहे कोई धार्मिक क्रिया हो चाहे व्यवहारिक या कोई शारीरिक प्रक्रिया हो उसमें जुड़े हैं। जिस समय में जो शरीर और मानसिक क्रिया हो रही है अपने उपयोग को उसमें रखें। ये साधना हमें निरंतर पुरुषार्थ इसके लिए करते ही रहना है। बोलो और कोई। पूज्य गुरुदेव वंदन। पूज्य गुरुदेव, हमारे जिन मंदिर के अंदर हाँ जी धर्म ध्वजा जो रहती है हाँ जी, वो हर 12 महीने के अंदर पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंतों के सानिध्य के अंदर उसको बदली की जाती है श्री सकल संघ के साथ में, और उसका बहुत ही महत्व है। हम देख सकते हैं गांव में होवे या यहाँ पर होवे, तो इस धर्म ध्वजा नंबर एक ये इसका एक महत्व। दूसरा, ये 12 महीने के अंदर एक बार क्यों बदली की जाती है? प्रश्न नंबर दूसरा, नवकार मंत्र के अंदर लास्ट जो है पद्मम होई मंगलम, हम होई मंगलम बोलते हैं कोई हवई मंगलम बोलते हैं, तो पूज्य गुरुदेव आप हवई और होई का थोड़ा सा डिफरेंस समझाइए और हमें क्या बोलना चाहिए और उसमें क्या डिफरेंस होता है वो आप समझाइए। धन्यवाद। चलो दो प्रश्न है, पहले दूसरा प्रश्न पहले ले लेते हैं। नवकार महामंत्र में नौवा जो पद है पद्मम होई मंगलम की पद्मम हवई मंगलम, अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो होई और हवई दोनों का अर्थ एक ही है बोलने के लिए। सभी मंगलों में ये पंच नमस्कार जो है वो सर्व पापों का प्रणाशक है, और सभी मंगलों में प्रथम माने सर्वश्रेष्ठ मंगल है, वो है बोलने के लिए होई अथवा हवई। संस्कृत व्याकरण में दोनों शब्द आते हैं, होई शब्द भी आता है हवई भी आता है, तीसरा एक हुवई शब्द है, होई हवई हुवई तीनों का अर्थ समान है, लेकिन नवकार मंत्र में हुवई बोलने का तो अभी कोई परंपरा ही नहीं, होई अथवा हुवई दोनों परंपराएं चालू हैं। तो इसमें नवकार महामंत्र के जो अंतिम चार पद है ना उसको उसकी चूलिका कहते हैं, चूलिका माने शिखा शिखर। तो ऐसो पंच चूलिका जो है ये अनुष्टुप नाम के छंद में है, छंद शास्त्र में अलग अलग अनेक छंद हैं, वसंतिल का छंद सारुल छंद भक्तामर जो है वो वसंतिल का छंद में है, अरहंतो भगवंत इंद्रमणिता वो अपना सारुल छंद में है, ऐसे सैकड़ों हजारों छंद है अलग अलग है। उसमें से एक अनुष्टुप नाम का छंद है जिसका नियम ऐसा है कि उसकी हर एक पंक्ति में आठ आठ अक्षर होने चाहिए, आठ आठ अक्षर होने चाहिए बरोबर। ऐसो उसमें जोड़ाक्षर जो होते हैं उसको एक ही अक्षर गिना जाता है, तो ऐसो पंच नमु कारो आठ अक्षर हुए, सब पाव पण स्वर्ण आठ हुए, मंगलान च सब देशी वे भी आठ हुए। अभी पढ़मन और अगर हवई और मंगलम बोले तो क्या होगा, नौ अक्षर हो जाएंगे। तो छंद शास्त्र का जो नियम है उसका यहाँ पर उल्लंघन अथवा तो भंग होता है, इसीलिए अचल गच्छ में और थोड़े से कुछ कोई अपने थानकवासी और थोड़े से दिगंबरों में होई बोलने का की परंपरा है, ताकि अधिकांश फिर हवई बोलने की भी परंपरा है। तो हमें गुरु गम से जो परंपरा मिली हो हमें उनका अनुसरण करना है। हमसे दूसरे कोई भिन्न बोलते हैं उसको वो झूठा बोल रहे हैं, ऐसे कोई वाद विवाद में पड़ना नहीं है, ठीक है। अचल गज में अगर हम हैं तो हमें होई मंगलम की परंपरा मिली है, होई मंगलम बोले, और अगर तपागज वगैरह में होई मंगलम बोलते हैं तो उनकी दृष्टि से वो भी ठीक है। उनके समाधान के लिए हम एक और भी आपको जवाब देते हैं कि एवरी रूल हैज इट्स एक्सेप्शन, प्रत्येक नियम में भी काय करके अपवाद भी होते हैं। तो हर एक पंक्ति में अनुष्टुप क्षण में आठ आठ अक्षर होने चाहिए, ये उत्सर्ग मार्ग है, जनरल रूल है, लेकिन अपवाद एक्सेप्शनल केस अपवाद के रूप में कभी आठ के बदले में नौ अक्षर भी हो सकते हैं, तो इसमें कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है। जैसे देखो दम्बो मंगल मुक्कीटम जो सज्जा है वो भी अनुष्टुप क्षण में है, दम्बो मंगल मुक्कीटम आठ अक्षर हुए ना, अहिंसा संयमो अर्थो आठ अक्षर हुए, उसमें भी एक जगह पे नौ अक्षर आते हैं। देखो कहाँ पर आते हैं, जहा डुमस उपेशु तो आठ अक्षर हुए, फिर क्या है भमरो आविय ईरसम तो कितना मानव हो गए, भमरो तीन अक्षर
आवियई चार, तीन चार सात, रसम सात और दो नौ अक्षर भी हो गए ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई वो पूर्व के महापुरुषों की जो रचनाएं होती है ना उसको आर्ष प्रयोग, आर्ष माने ऋषि मुनियों के प्रयोग पूर्व के, तो उसमें कभी थोड़ा आगे पीछे होता है तो भी कोई दोष के रूप में गिनना नहीं चाहिए। तो ये तो शाश्वत महामंत्र है, अभी केवली भगवान जहाँ पर कोई हुए नहीं कि जो कह सके भाई क्या कोई बोलने का है कि अभी बोलना है कहा है। तो वर्तमान काल में हमें गुरु परंपरा से जो भी हमने मिला है हमें उसको वफादार रहना है। लेकिन कई बार क्या करते हैं लोग खिचड़ी खिचड़ी कर देते हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं, होई और हवई का मिक्सिंग करके हो वही बोल लेते हैं, परमम हो वही मंगलम, वो अशुद्ध है। ठीक है, हो वही नहीं बोलना है, या तो हो ही और या फिर हवई। अचल गच्छ में अगर आप हैं अभी यहाँ पर मेरे ख्याल से अधिकांश अभी आप सब अचल गच्छ के बैठे हैं, तो हमें होई की परंपरा है तो होई बोलना चाहिए। और दूसरे जो हवी बोलते हैं तो वो उनको उनके साथ झगड़ा नहीं कर रहे, विवाद में नहीं पड़ रहे, गलत बोल रहे हैं। उसी प्रकार से दूसरा भी एक आपको भले आपने पूछना नहीं है ऐसा ही एक प्रश्न है, वो भी बता दूँ। सामाचारी की परंपराएं क्या होती है, भगवान की पूजा करना है बरोबर है, इसमें भी दो पद्धतियाँ प्रचलित है ना, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऊपर है। उसमें भी जिनको जो गुरु परंपरा मिली है ना उनका अनुसरण करना है, दूसरा गलत करना है ऐसा बोलना नहीं है। लेकिन अभी अचल गच्छ में नीचे से ऊपर जाने की परंपरा है, पहले दो अंगुष, फिर दो ठींच जानू, फिर दो हाथ कांडा, और फिर नाभि, फिर हृदय, फिर कंठ बाद में आएगा, दोनों कंध आएंगे, फिर कंठ के लेवल से थोड़ा ऊपर है कंठ, फिर ललाट और फिर शिखा, ये नीचे से ऊपर। अगर हाँ ये जो कितने लोग तिलक जो है वो सब तो बाद में, हाँ पहले पहले प्रश्न पूरा कर लेते एक बार। तो अगर आप कहीं तपा गज के मंदिर में पूजा कर रहे हैं गए हैं और आप ये इस प्रदर्शन करेंगे तो हो सकता है कि वो लोग कह रहे हैं तुम गलत कर रहे हो, उस वक्त आपको आपको जवाब आना चाहिए, उसका ख्याल होना चाहिए कि ऐसे क्यों करते हैं। ठीक है, और दूसरी एक विवेक ये भी रखना है, अगर किसी की कुछ गलती भी हो रही है तो उस वक्त घबरे के अंदर ऊंची आवाज से बोलना भी नहीं चाहिए। घबरे से बाहर निकलने के बाद, था मंदिर के बाहर निकल के बाद उनके साथ प्रेम से बात करनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो भगवान की आसाधना होती है। निशी ही बोल करके मंदिर में प्रवेश करते हैं, निशी का अर्थ है निशी मान निषेध, नहीं करूँगा मैं, भगवान आपके मंदिर में अभी प्रवेश कर रहा हूँ तो उसके सिवा दूसरे कोई विचार वाणी वर्तन नहीं करूँगा मन वचन काया से। इसलिए तीन बार निशी ही बोल करके अंदर प्रवेश करना है। तो भगवान की भक्ति के द्वारा हमें आत्मा की ऊर्ध्व गति करनी है, और ये शिखा जो है ये सिद्ध शिला का प्रतीक है, इसीलिए नीचे से ऊपर की ओर हमारे यहाँ पद्धति प्रचलित है। साधना करते करते भक्ति में अत्यंत लीन होते हैं कभी, अथवा कोई जाप में ध्यान में लीन होते हैं तो हमारी कुंडलिनी शक्ति जो कही जाती है नाभि के नीचे होती है, आध्यात्मिक जो शक्ति उसका जागरण होता है, उसका उत्थान होता है, तो वो ऊर्ध्वगमन करती है और एक के बाद एक चक्र को भेदन करती करती जब यहाँ पहुँचती है अग्नि चक्र में, तब ध्यान दशा लगती है। इससे भी आगे जब ऊपर सहस्रार चक्र में जाती है तो समाधि अवस्था लगती है, और उसके बाद जीव को शरीर से भिन्न अपने आत्मा स्वरूप का अनुभव होता है। तो इसीलिए हमारी यही भावना, ये लक्ष्य है कि हमारी आध्यात्मिक शक्ति इतना जगे, ऊर्ध्वगामी बने, हमारे परिणामों को भावों को भी ऊर्ध्वगमन करवाना है, इसलिए हम हमारे यहाँ यह पद्धति प्रचलित है नीचे से ऊपर जाने का। और फिर अगर आप सामने उनको प्रश्न करेंगे कि भाई आप ऐसे क्यों करते हैं, तो मेरे ख्याल से अधिकांश लोगों को पता नहीं होगा कि भाई हमारे यहाँ परंपरा है, उसके पीछे कुछ तर्क है, लॉजिक है, उनको शायद पता नहीं होगा। लेकिन हमने उनके समाधान के लिए इनका भी एक तर्क ढूंढ निकाला है, ये पढ़ा नहीं है, सुना भी नहीं है, एक सोच करके समाधान निकाला है कि हमारी जो नाभि है ना वहाँ पर हमारी आत्मा पूरे शरीर में फैली हुई है, और आत्मा के कितने प्रदेश हैं, प्रदेश माने परमाणु जितना सूक्ष्म हिस्सा, सो प्रदेश बोलते हैं, तो आत्मा के कितने प्रदेश है, अनंत नहीं है, असंख्य प्रदेश है। असंख्य माने कितने मालूम है, ये 14 राज लोक पूरा विश्व ब्रह्मांड, उसके जितने आकाश प्रदेश है ना बराबर उतने ही असंख्य आत्मदेश एक आत्मा के, प्रत्येक आत्मा के होते हैं। फिर चाहे आत्मा वो निगोद में हो, चींटी वगैरह के बैक्टीरिया के रूप में उतनी हो, या चाहे हाथी या जिराफ या इससे भी बड़े कोई शरीर में हो,
संकोच विकास ही है आत्मप्रदेश, ब्रह्म की तरह। तो असंख्य आत्मप्रदेश है, उसमें प्रत्येक आत्म प्रदेश के ऊपर अनंत अनंत कार्म और वर्गणा चिपकी हुई है, लेकिन आठ आत्म प्रदेश ऐसे हैं जिनके ऊपर कभी भी अनादि काल से सूक्ष्म निगोड में हम थे, अव्यवहार राशि में, कभी भी वो आठ आत्म प्रदेश उनके ऊपर एक भी कर्म परमाणु चिपका नहीं है और कभी चिपकेगा भी नहीं। अगर वो भी कर्म परमाणु से आवृत हो जाए तो जीव जड़ हो जाए, लेकिन ऐसा न कभी हुआ है न कभी होगा। तो वो जो आठ प्रदेश है उनको क्या बोलते हैं मालूम है? रुचक प्रदेश बोलते हैं, आठ रुचक प्रदेश। और वो कहाँ आए हुए हैं? हमारे नाभिक के स्थान के अंदर, आत्मा के अंदर आए हुए हैं। तो इसीलिए जो भगवान की पूजा सेवा भक्ति करते करते हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है कि जैसे आठ रुचक प्रदेश कर्म रहित है, ऐसे हमारे सभी आत्मदेशों को ऐसा निर्मल बनाना है, ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। इसीलिए पूर्ण विराम वो नाभि के ऊपर करते हैं, ये हमने सोचा है, कहीं पढ़ा सुना नहीं है उनके समाधान के लिए। लेकिन आप पूछेंगे उनको तो शायद मालूम नहीं होगा, कहेंगे भाई हमारी ऐसी परंपरा है, क्यों है वो, उसका शायद मालूम नहीं होगा। लेकिन आपको ये ख्याल में होना चाहिए कि भी ऐसे क्यों करते हैं कि हमारे भगवान की भक्ति के द्वारा आत्मा की ऊर्ध्व गति करनी है, अंतिम जो विराम सिद्ध शिला पर पहुंचना है। तो ये शिखा जो है, देखो ये 14 राजलोक है ना पूरा विश्व, उसका आकार आपने देख सुना होगा, देखा होगा, जैसे कोई आदमी खड़ा है पांव फैला करके और अपने दोनों हाथ कमर पे रख करके, हाँ, तो नीचे जो है हम सभी कहाँ मध्य लोक में नाभि के स्थान पे आए, नीचे सात नरक हैं, ऊपर देवलोक हैं, यहाँ 10 नौ घेरे हैं, फिर पंच अनुत्तर हैं और ऊपर है सिद्ध शिला। तो ये शिखा जो है ये सिद्ध शिला का प्रतीक है। तो भगवान की पूजा सेवा भक्ति के माध्यम से हमें हमारी आत्मा को ऊर्ध्व गति कराते हुए अंतिम विराम सिद्ध शिला तक पहुँचना है, इसीलिए हम नीचे से ऊपर की ओर पूजा करते हैं। समझ में आया? अभी दूसरा प्रश्न आपका था ध्वजा का था, कि ध्वजारोहण का क्या महत्व है। ध्वजा जो है वो एक तो विजय का प्रतीक है, जब दो राजाओं के बीच में युद्ध होता है, दो सैन्यों के बीच में, उसमें जब विजय जिसको मिलता है, विजय वाउटो फरकायो, विजय वाउटो, तो विजय ध्वज है। तो परमात्मा ने राग द्वेष और मोह जैसे महामल्ल उनके ऊपर संपूर्ण रूप से विजय प्राप्त किया है, उसके प्रतीक के रूप में ये विजय अपना ध्वज हम लोग फरकाते हैं। इसके पीछे हमारी ये भी भावना है कि भगवान आपने जैसे राग द्वेष के मोह के ऊपर विजय पाया, ऐसा ऐसी शक्ति हमें भी मिले कि हम भी कभी राग द्वेष मोह के ऊपर विजय प्राप्त कर सकें, ऐसी भावना के साथ अच्छी बोली बोल करके ध्वजा चढ़ाई जाती है। उसमें भी ध्वजा के दो प्रकार होते हैं, कभी बीच में लाल और साइड में होते हैं सफ़ेद, और कभी सफ़ेद बीच में सफ़ेद और साइड में लाल पट्टे होते हैं। कितनों को मालूम है इसमें क्या कारण क्या है? उंगली ऊँची कीजिए, केवल भाइयों में से उंगली ऊँची कीजिए, कितनों को मालूम है कब सफ़ेद बीच में कब होना चाहिए अथवा लाल बीच में कब होना चाहिए? एक बस, बाकी को मालूम नहीं है, आगे जो सब करते हैं करते हैं, एक एक चीज के पीछे क्या हेतु है समझने के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे प्रश्न पूछा है ना, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए। देखो हमारे यहाँ भगवती सूत्र 45 आगमों में, उसमें गौतम मुख्य रूप से गौतम स्वामी वरदर भगवंत ने भगवान महावीर स्वामी को कितने प्रश्न पूछे हैं? करीब 36,000 प्रश्न, और भगवान ने उसके उत्तर नहीं है, वो थोड़े और भी प्रश्न है गौतम स्वामी शिवाय के, लेकिन अधिकांश प्रश्न गौतम स्वामी गणधर भगवान के हैं। और गौतम स्वामी को तो कितना ज्ञान था, केवल ज्ञान बाद में भले हुआ, लेकिन चार ज्ञान तो थे ना। तो भगवान अभी जो देशना होने वाली है उसमें 3 घंटे में क्या क्या बोलने वाले हैं उसका प्री रिकॉर्डिंग समझो कि उनके माइंड में हो जाता था, अक्षर शब्द सह भी नहीं, समझ लो अक्षर सह भगवान क्या क्या बोलने वाले हैं पूरा 3 घंटे का पहले से वो बता सके। इतना ज्ञान होते हुए भी छोटे बच्चे की तरह भगवान को प्रश्न पूछते रहते थे, भंते भगवान इसका क्या अर्थ है? वो क्यों पूछते थे? दूसरों को भी बोध हो। कई लोगों को प्रश्न कैसे क्या पूछना वो पता नहीं है चलता है, तो इसीलिए कथा पूछना संकोच होता है, भय लगता है पूछने बोलने में सभा के बीच में, इसीलिए सबकी वती से सबकी ओर से वो भगवान को विनय से प्रश्न पूछते थे।
को पृच्छा नाम का स्वाध्याय का दूसरा प्रकार कहा है। स्वाध्याय के पांच प्रकार है ना, कौन से पांच प्रकार है? वाचना, पृच्छना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। दूसरा प्रकार क्या है? पृच्छना। पृच्छना माने पूछना विनय पूर्वक, जिज्ञासा पूर्वक पूछना, परीक्षा करने के लिए नहीं किंतु जिज्ञासा पूर्वक विनय पूर्वक आज जो फिर पूछना चाहिए। तो ये स्वाध्याय का एक महत्व का दूसरा प्रकार है। तो इसीलिए पूछता नर पंडित हो जाता हो सकता है। पछी 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 ने मारू पाटन नजीक ने अच्छी में भी कहे थी। तो पूछने में हिचकिचाहट नहीं करना चाहिए। व्याख्यान में जो विषय चलता हो ना उसके अनुरूप कुछ भी पूछना पूछ सकते हैं। तो अपनी बात क्या है कि बीच में स्वाइट कब होता है? जब भगवान जो मूलनाथ भगवान है वो अरिहंत अवस्था में उनकी प्रतिमा होती है तो अरिहंत का सफेद वर्ण से आराधना करने के साथ में बताया है। तब बीच में अरिहंत सफेद पट्टा और साइड में चित्त परमात्मा के प्रतीक रूप में लाल पट्टा और प्रतिमा तो मूलनाथ भगवान। हाँ प्रतिमा तो अभी मैं व्यवहार से बोलता हूँ, बोलना क्या चाहिए? भगवान। भगवान कितने अच्छे हैं, ये मूर्ति कैडी खासी है, ये प्रतिमा कैडी खासी है, ये बोलना ठीक नहीं है। क्या बोलना चाहिए? ये भगवान कितने अद्भुत हैं, आकर्षक हैं, ऐसा बोलना चाहिए। जैसा शब्द प्रयोग करेंगे ना ऐसे भाव हमको आएंगे। तो पता कैसे चले? भगवान तो सब ऐसे ही बैठे हैं तो अरिहंत के रूप में कि सिद्ध के रूप में कैसे पता चले? बोलो दिनेश भाई कैसे पता चलेगा? परिकर के द्वारा। परिकर में अष्टमहाप्रातिहार्य होते हैं भगवान के, अशोक दुर्ष स्वरूप पुष्पोटी दिव्य ध्वनि चामर सिंहासन भामंडल छत्र त्रैजल अष्टमहाप्रातिहार्य हैं। तो परिकर के अंदर अलग अलग रूप में होते हैं। तो परिकर युक्त भगवान है तो समझो अरियंत अवस्था है, और परियंत परिकर रहित है तो समझना सिद्ध अवस्था है। तो सिद्ध भगवंत ऐसे तो अशरीर अरूपी है फिर भी सिद्ध पद की आराधना अमुक कारणों से लाल रंग से करने की शास्त्र में बताई गई है। तो जब लाल पट्टा बीच में और साइड में सफेद पट्टा, समझ में आया? और एक प्रश्न पूछ लूं, चलो कि भगवान की पूजा कौन सी अंगुली से करते हैं आप लोग? तो इसी उंगली से क्यों करना है? कभी अंगूठे से नहीं करना है? इससे क्यों नहीं करना है? इससे नहीं करना है, इससे नहीं, इसी अंगुली से क्यों करना है? इसका जवाब कौन देगा? और भाई इसका नाम क्या बताया अभी आपने बोला? अनामिका। बाकी चार उंगली का नाम है ये थम्स अप अंगूठा, ये क्या बोलते हैं इसको? तर्जनी। और रिंग फिंगर इनको बोलते हैं, किसको बोलते हैं? ये मध्यमा, मध्यमा माने बिचली। और ये है कनिष्ठा माने सबसे छोटी। चार के नाम है स्पेशल, ये बिचारी बिना नाम की रह गई। अनामिका, इसका कोई नाम नहीं है, वो अनामिका। लेकिन इसका दूसरा नाम भी फिर बाद में पड़ा है, क्या नाम? देव पूजनी। नाराज हो जाएगी, इसीलिए अच्छी अच्छा नाम दिया देव पूजनी, जिनसे देव माने देवाधिदेव परमात्मा की पूजा होती है, इसलिए देव पूजनी आंगी कही आई है। और साथ में भगवान की पूजा के द्वारा हमारे लक्ष्य क्या है, क्या बनना है? सिद्ध भगवान बनना है। तो वहाँ सिद्ध भगवान के नाम होते हैं अलग अलग, वहाँ सब समान अनामी और अरूपी भगवान होते हैं सिद्ध परमात्मा। तो भगवान की पूजा के माध्यम से हमें अनामी बनना है, इसीलिए अनामी का अंगुली से भगवान की पूजा की जाती है। चलो और कोई प्रश्न बोलो। अच्छी बात है, धन्यवाद देता हूँ आप सभी को। हर जगह हम पूछते हैं कि किसी को पूछना है, कोई नहीं पूछते हैं भाई, हमको ही कुछ प्रश्न पूछना है अथवा कोई बात करनी निकालनी होती है। बोलो। स्टार्टिंग अच्छा किए, इंजन अच्छे मिल गए ना, हिम्मत आ जाती है। चलो हम भी पूछे, हम भी पूछे। भगवान की अपन अभी इधर से पूछने आता, अभी इधर से भी बाकी है, आप भी जरा सोच के रखना। बोलो भगवान की पूजा करते तो ये बताया नवम से पूजा करने का,
लेकिन बहुत से लोग हैं यहाँ से पूरी माला बनाते, यहाँ पे मुगट बनाते, वो सब तिलक करते, वो आसतना है कि क्या है? नौ अंग से पूजा करनी चाहिए, एकांत से कुछ नहीं, इसमें नहीं कहेंगे हाँ या ना। कुछ कई कई प्रश्न ऐसे होते हैं ना, हाँ हाँ चाहो तो हाथ कब देने, ना चाहो तो नक कब देने, विष्णु वस्तु कड़े भापे, विष्णु वस्तु कड़े भापे, सांप मरे नहीं लाठी भांगे नहीं, एनी जब विष्णु वस्तु काटो भैये। हाँ घनी बात तो यही हो कि एमां મોટી પણ એક વાત કોને ભાઈ મોટી કહો આ ખીચડું કેમ કરો છો? चकार लगाते हैं वहाँ झगड़े होते हैं। मैं ही सच्चा हूँ, तुम झूठे ही हो, ही आता है तो झगड़े का कारण बनता रहो, भी आता है तो झगड़ा शांत हो जाता है। इसमें सी इसमें भी एकांत से कुछ कहना मुश्किल है। हाँ तो विवेक सब में होना चाहिए, विवेक ये भक्ति से करते हैं। चलो अपना वो सोने कोई सोने का हाथ चढ़ाता है, हीरे का हाथ चढ़ाता है, उतनी अपार में शक्ति नहीं है, तो कम से कम इस प्रकार से भगवान का कार्य के रूप में कभी करते हैं तो एकांत से निषेध भी नहीं कर सकते। लेकिन सब करने जाएंगे तो फिर वो चंदन का क्या अकेला चलेगा, तो फिर वो जरा ठीक नहीं दिखेगा। इसीलिए विवेक रखना चाहिए, विवेक का उपयोग करके सब करना चाहिए। मूर्ति के ऊपर नहीं करते हैं चंदन जो उपयोग अगर नौ अंग से वगैरह वो छोड़ती है ना ही अच्छा सर में चंदन जो उपयोग बता देती है ना हमारे कहीं यहाँ तक। पहली बात तो ये है कि सुबह द्रव्य से जिन पूजा करनी होती है, देखो धूप भी कई लोग क्या करते हैं समझो कि धूप धूप पत्ती जल रही है फिर भी जितना जो जो आता है नई नई धूप जलाता है, वो उचित नहीं है। अगर आप सुबह द्रव्य से करो तो ठीक है, लेकिन मंदिर में कई द्रव्य से अगर करते हैं तो फिर एक धूप पत्ती जल रही है उसी से धूप पूजा कर लेनी चाहिए। हर एक चीज में विवेक वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विवेक नहीं होता, भावना अच्छी भी होती है कभी कभी, लेकिन विवेक नहीं होता ना तो कैसे गड़बड़ हो जाती है। देखो एक महिला थी, उनका इकलौता बेटा बहुत बीमार था, भेज दिया डॉक्टर के, हम डॉक्टर के पास गई है, डॉक्टर ने 7 दिन की दवा दी है और इनमें 3 टाइम लेना ये गोलियाँ, बराबर है, तीन टाइम डोडो गोलियाँ देनी है, 7 दिन का एक कोर्स दिया हुआ है। तो महिला ने सोचा आखिर तो इतनी दवा पेट में जाएगी तब ठीक होगा ना, 7 दिन की प्रतीक्षा क्यों करनी, एक साथ 21 टन की दवा एक साथ खिला दी, क्या परिणाम आएगा? भावना अच्छी थी, भावना अच्छी थी कि मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन विवेक की चूक हो गई। भावना अच्छी हो इतना पर्याप्त नहीं है, भावना के साथ विवेक भी देखना चाहिए हर एक चीज में। हाँ बोलो जी गुरुदेव, गुरु गौतम भगवान की पूजा किस तरह से करनी चाहिए? नव अंग अनामिका से या यहाँ से कहाँ से किस प्रकार से करनी चाहिए उसका? गौतम स्वामी गुरु भगवान देव को ऋषि से करना चाहिए, अनामिका से। केवल देव देवी जो होते हैं सम्यक दृष्टि देव देवी शासन देवी देवी, वो हमारे विशिष्ट साधर्मिक है और साधर्मिकों को अंगूठ से करने की परंपरा है। गुरु भगवान को अपना गौतम भगवान को नव अंग से पूरी करना चाहिए, कर सकते हैं, कर सकते। देव देवी को रवांग की पूजा नहीं करनी होती है, केवल साधर्मी के रूप में तिलक करना है। कई लोग कोई तपस्वी का बहुमान करना हो तो भी फिर इसी से कर लेते हैं, वो नहीं करना है। कोई लोग साहब जी ऐसे बोलते हैं कि जब हाथ यूं है तो इनको सिर्फ 3 ही मतलब 1, 2 और 3 कितनी करनी चाहिए, 9 अंक नहीं करनी चाहिए? नहीं करना है ऐसा कोई नहीं, आपको समय कम है तो कोई अभी ऐसा 3 अंक से करेगा तो अलग बात है, लेकिन नव नहीं करना नवंग ऐसी बात नहीं है। आजकल तो कटागच में इसके विषय में बड़ा विवाद चल रहा है, गुरु भगवान की नवांगी पूजा के विषय में दो तिथि वाले जो है कहे जाते हैं तो वो नवंगी पूजा करते हैं, बाकी के नहीं करते। फिर भी जब अंजन सलाहकार का प्रसंग आता है उसमें भी जब आचार्य भगवंतों को जन्म कल्याण के प्रसंग में सब अलंकार धारण कराए जाते हैं, उस वक्त इंद्र इंद्राणी भी और भगवान के माता पिता भी
आचार्य भगवंत की नवांगी पूजा हमारे यहाँ भी करते हैं, संविधान चलता है, इसीलिए तो गौतम स्वामी तो हमसे बहुत महान हुए, इसलिए उनकी नवांगी पूजा कर सकते हैं। बोलिए आज यहाँ 4 नंबर 13 सब कहीं भी पार्श्वनाथ भगवान है, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर जो पड़ा है उसकी पूजा करनी चाहिए, उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए? कंपल्सरी नहीं है, कोई करते हैं तो हमने कहीं कल्याण मासी में बहुत साल पहले पढ़ा था कि वही भगवान के अंग स्वरूप समझ लो और इस प्रकार से वो करते हैं, करने कंपल्सरी नहीं है, वो करना कंपल्सरी नहीं है। केसर डालने का शुक्र उसमें भी ये रखना चाहिए, ज्यादा अधिक वो पत्थर का जो मूर्ति बराबर है ठंडी को। लेकिन देखो 18 अभिषेक है ना, उसमें 15वां अभिषेक का नाम मालूम है क्या है? केसर साकर अभिषेक। हम कभी मजाक के मूड में था, कहते हैं देखो केसर बहन उनका स्वभाव गर्म है, यहाँ तो केसर बहन नहीं है ना, बुरा मत मानना। और चंदन बहन तो उनका स्वभाव तो सामो था आग तो तमे थजो पानी, आशे प्रभु वीरनी पानी। परिवार में भी किसी का स्वभाव गर्म है किसी का तो सामने दोनों गर्म हो स्वभाव मिल जाएंगे तो फिर गड़बड़ झगड़ा हो जाएगा, इसीलिए लेट को करना चाहिए। और भगवान के ऊपर जो लगाते हैं ना ये भी प्रथा बाद में शुरू हुई है, पहले के काल में नहीं थी, और कई बार फिर उसमें भी पानी भीतर से चला जाता है तो फूल नील वगैरह हो जाती है। प्रभु बे प्रश्न जिनालय के अंदर प्रभु जी जिनालय के पाशा देवी बाद में अधिशायक देवी देवता प्रभु जी के भी अधिशायक देवी देवता रहेंगे, मणिभद्र वीर ये सब रहेंगे, बाद में समझो दूसरा भी जिनालय है तो जिनालय में भी प्रभु जी रहेंगे, तो सब प्रभु जी के जो भी श्रावक स्वामी का पूजा करते हैं तो पहले समझो अरिहत परमात्मा जो तीर्थंकर परमात्मा है उनकी पूजा की, और बाद में पंच धातु के भी प्रतिमा जी है तो उनका एक क्रमवार करना चाहिए, भले जिनाने में आगे पीछे सब जगह पे जाना पड़े अलग बात है, तो क्रमवार आप बोलिए कि पहले किसका क्रम होना चाहिए। चलिए भगवान का, फिर समझो सिद्ध चक्र का, फिर गुरु मूर्ति, फिर सम्यक देव देवी, लेकिन देव देवी का जिससे पूजा किया उससे फिर भगवान की पूजा। इसके लिए सिद्ध चक्र के 9 पदे घटा है वो भगवान के रूप में गिना जाता पूरा, यद्यपि उसमें आचार्य उपाध्याय साधु भगवान भले हैं लेकिन पूरे सिद्ध चक्र भगवान के रूप में, तो सिद्ध चक्र ऊपर अगर की है और बाद में अगर अर्जुन भगवान की कहीं करने का होता है तो उसमें कोई बात नहीं गिना जाता है, लेकिन देव देवी की जिससे पूजा की है उसी के शुक्र से फिर भगवान की पूजा करने की। गंबारे में ही प्रभु जी है, प्रभु जी और उनके पालन भगवान भी है और बाद में शिव चक्र जी भी है, तो पूजा करके हम लोग आ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी दूसरा जिनाने है तो वहाँ पे भी कर सकते हैं, उसमें कोई निषेध नहीं है। और एक प्रश्न और पूछ लूँ आपको, जो अष्टमंगल की पाटली होती है तो उसकी पूजा कौन सी उंगली से करनी होती है? तो क्या करना चाहिए? आलेखन करना होता है, तो अभी जैसे गौली यहाँ पर भी कई संभव में क्या होता है, खुदी हुई पूर्व होती है गौली, सीधा उसमें चावल डाल दो इंस्टेंट का जमाना है, फास्ट फूड का जमाना है। देखो अष्टमंगल पहले के जमाने में अष्टमंगल का आलेखन किया जाता था, अभी अष्टमंगल क्या खाली एक साथी आया गौली कर रही है तो भी कितना को नहीं आता है, तो इसीलिए ऐसा किया जाता है। इसी प्रकार से अष्टमंगल नहीं आता है तो अष्टमंगल की पाटली होती है तो उसके ऊपर पूरे हाथ से चारों अंगुलियों से चंदन के ऐसे करते हैं ना, विले पंक्ति पूजा के भाव से नहीं किंतु हम अष्टमंगल का आलेखन कर रहे हैं, इसी भाव से किया जाता है। सबकी जैसी भाव ना, वैष्णव में क्या है तीर्थंकर भगवान जब विहार करते हैं ना तो उनके आगे अष्टमंगल देवता तुलसी गुरु बना करते हैं, तो उसी भाव से कि भैया अष्टमंगल करते हैं देव का। कभी आचार्य भगवंत लिखित कोई भी पुस्तक आगम के छणावट में जो विवेचन रहते हैं वो पुस्तक का कभी अध्ययन करते हैं, उसमें छंद आते हैं, चुड़िका आती है, टीका आती है और विवेचन आती है, तो ये जो शब्द है उनका आगम के प्रभु जी ने जो आगम लिखे हैं या तो जो वाणी हमको मिली है उसमें वो छणावट करते हैं, छंद चुड़िका
विवेचन पंचांगी बोली जाता है उसको, पांच अंग आगम के पांच अंग पंचांगी, कौन से तो मूल सूत्र, फिर उसका टीका माने विवेचन, टीका माने निंदा के अर्थ में नहीं है, टीका माने विवेचन, वो संस्कृत भाषा में क्या होती है टीका। फिर उसे आता है निर्युक्ति, निर्युक्ति माने एक एक अक्षर का अलग अलग अर्थ, एक एक शब्द का एक एक अक्षर के अलग अलग अर्थ निकालना, उसमें मुख्य रूप से वर्तमान काल में 14 पूर्वधर जो भद्रबाहु स्वामी सातवें पाठ में हो गए, उन्होंने करीब करीब 10 आगमों के ऊपर निर्युक्ति उसकी मिलती है, बाकी की नहीं मिलती है। तो निर्युक्ति जैसे श्रावक शब्द है, हाँ अभी श्रावक शब्द का एक एक अक्षर का अर्थ होता है, क्या होता है सुना है कभी, बोलो श्रद्धालु काम श्राति जिनेन्द्र शास्त्र ने, श्रा माने श्रद्धा युक्त, व माने विवेक अथवा वपन ऐसा भी आता है, धनानी पात्रेशु वपति अनारतम, अपने धन को सारे सात सुपात्रों सात पात्रों में जो वपन करता है वावनी कर वपन करता है वह माने ये, अथवा यहीं पर वह का विवेक भी किया जाता है। क माने क्रिया, करोति पुण्यानि सुसाधु सेवनात्, साधु संतों के सेवा के द्वारा जो पुण्य कार्य करते हैं, तो श्रा व क, श्रा माने श्रद्धा, व माने वपन अथवा विवेक, क माने कर्म क्रिया क्रिया, एक एक अक्षर का अर्थ, जैसे मिच्छामि नुक्कड़म उसके भी एक एक अक्षर के अलग 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 अर्थ भद्रबाहु स्वामी बताए हैं, तो इसी प्रकार से एक एक अक्षर का अर्थ उसको निरुक्ति बोलते हैं, निरुक्ति सूत्र टीका निरुक्ति, इसी प्रकार से भाष्य, भाष्य बहुत विशाल टीका से विस्तार से होता है, प्राकृत प्रणय करके उठा भाष्य प्राकृत भाषा में होता है, टीका जो होती है वो संस्कृत भाषा में होता है, चूर्णी भी आती है, चूर्णी चूर्ण करना है एक और इसी प्रकार से पांच कोई प्राकृत में होते हैं कोई संस्कृत में होते हैं, तो पंचांगी तो हम पांचों अंग को मानते हैं, जबकि स्थानक में जो है वो केवल मूल आगम को ही मानते हैं, बाकी के चार अंगों को मानते नहीं है, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं लगता है, क्योंकि मूल एक एक सूत्र के कई अर्थ होते हैं, अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ भी होते हैं, यहाँ पर कौन सा अर्थ लेना है उसका निर्णय कौन करेगा, तो जो पूर्व के महापुरुष जो हो गए हैं जो अत्यंत पाप भीरु थे भव भीरु थे, भूल से भी कहीं भगवान की ऊपर आज्ञा से विरुद्ध कोई प्ररूपणा न हो जाए, इसीलिए बहुत सतर्क और सावधान रहते थे, तो ऐसे पूर्व के जो महापुरुष हो गए विद्वान बड़े शास्त्र के महापुरुष, उन्होंने जो अर्थ किया है टीका के रूप में या निरुक्ति भाष्य चोरी के रूप में, तो उसके आधार उसको भी हमें स्वीकारना चाहिए, अगर उसको नहीं मानेंगे तो फिर उसका अर्थ आप कैसे निकालेंगे, खुद का अर्थ माने रखते हैं, पूर्व के महापुरुष अर्थ कर गए उनको अगर नहीं मानते तो कितना उचित है, सोच लीजिए आप, हमारे यहाँ पंचांगी आगम मान्य है। चले विवेचन आप एक कथाकार अथवा तो आचार्य भगवान ने आखा ग्रंथ को व्यक्तित्व बोलते, देखो पूर्व के महापुरुष कितने भव भीरु और पाप भीरु थे, कभी कभी ऐसा होता है इस सूत्र का अर्थ क्या करना उसका कोई पूर्व की परंपरा भी नहीं मिल पाती है, तो उन्होंने जो अध्ययन किया इतने सूत्रों का आगमों का उससे उनकी बुद्धि जो परिक्रमित हुई है संस्कारित हुई है उसके आधार से कभी अंतस्फुरणा भी होती है, इसका अर्थ यहाँ पर ऐसा होना चाहिए अथवा ऐसा लगता है, तो वो महापुरुष क्या लिखते हैं कि हमको हमारे मंड क्षयोपशम के अनुसार इसका इस सूत्र का अर्थ हमें ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा ही अर्थ है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, तत्त्वम तु केवली गम्यम अथवा तत्त्वम तु बहुश्रुता विदन्ति, बहुश्रुत वाले जिनको सूत्र ज्ञान बहुत है ऐसे महापुरुष जो कहें वो प्रमाण, अथवा केवली भगवान जो कहें वो प्रमाण, लेकिन हमको इसका अर्थ अभी ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा ही अर्थ होगा ऐसे हमारा कोई आग्रह नहीं है, इतने नम्र होते हैं और भव भीरु होते हैं, भूल से भी कहीं सूत्र विरुद्ध सूत्र प्ररूपणा न हो जाए इसके लिए बहुत ही वो सावधान रहते हैं, तो ऐसे भव भीरु पाप भीरु जो पूर्व के विद्वान महापुरुष हो गए हैं तो उनके अर्थ के उसके अनुसार हमें अर्थ करना चाहिए, उसको मान्य रखना चाहिए। चलो और कोई, समय हो गया 8:15 बज गए, इधर से कोई प्रश्न नहीं आया है, सब सब विद्वान अनुषी है जानता रहे, पहला पुरुषार्थ करवाने जे कहियो छे ये सच्चा सुख ने मेरा बातो ए कया प्रकारे ए दिशा में तो सच्चा सुख
पर सच्चा सुख किसको कहेंगे? हम सभी जीव सुख शांति आनंद को चाहते हैं, बरोबर है? किस प्रकार के सुख को चाहते हैं? देखो, थोड़ी देर सुख, टेम्पररी सुख चाहते हैं कि परमानेंट चाहते हैं? परमानेंट के ऐसा चाहते हैं 24 घंटे 365 × 24 बरोबर, सप्ताह के 7 दिन 24 प्रतिदिन के 24 घंटे और साल के 365 दिन सुखी चाहते हैं, सभी सुख शांति आनंद चाहते हैं। और वो कैसा सुख चाहते हैं? और भी थोड़ा सुख भले हो लेकिन साथ में थोड़ी थोड़ी दुख की भी मिलावट हो, ऐसा चाहते हैं? प्योर दुख, इतना भी दुख नहीं चाहिए, बिना बिल्कुल दुख के रहित परमानेंट टिके ऐसा। और साथ में आपको बहुत सुख मिला है, दुख नहीं है, लेकिन आपके पड़ोस में आपसे ज्यादा कुछ है, तो इसलिए सर्वोत्कृष्ट चाहिए, परम सुख। परम माने जिससे आगे कुछ को न हो, सर्वोत्कृष्ट और प्योर और परमानेंट ऐसा सुख चाहिए। तो ऐसा सुख आज तो मोहल का जमाना है, मोहल के जमाने A to Z सब चीजें मिलती है ना, तो ऐसे सुख के पैकेट कहीं मिलते हैं भाई? नहीं, कोई बोरी वाली में ऐसे बोलो, मॉल तो होगा है ना, मॉल नहीं, मॉल तो मॉल में जा करके बोलो उनको हमको ऐसे सुख का पैकेट, हम बोलो वो कहाँ है, ऐसे ऐसे सुख का एड्रेस कहाँ है, बोलो है एड्रेस कहाँ है? इधर नहीं है, अमेरिका में होगा, अच्छा इस धरती पे चांद पे होगा, और अगर लोगों लगा कि पहले किसी को लगा कि इंडिया में वहाँ डॉलर आ रही है, फिर भी लगा कि डॉलर में सुख नहीं है इंडिया में, तो इंडिया में आ रहे हैं, यहाँ के लोग को लगा इधर नहीं है तो फिर वो फॉरेन भी जा रहे हैं, दुबई मस्कत जा रहे हैं, और किसी को लगा कि धरती पे सुख नहीं है तो चांद पे जाने की कोशिश की अपोलो 11 के द्वारा, उनको लगा इधर वहाँ भी सुख नहीं है तो चलो अभी शुक्र के ऊपर जाए, मंगल के ऊपर जाए, शनि के ऊपर जाए। भगवान ने पूरे विश्व का पोस्टमार्टम करके कहा है भाई जो सुख आप चाहते हैं ना वो दुनिया के किसी क्षेत्र विशेष में नहीं है, यावत सिद्धशिला के ऊपर भी है ऐसा नहीं है। हम लोग सभी सिद्धशिला के ऊपर भी कई बार जाकर के आए मालूम है, बाप रे बोलता है, एक बार नहीं दो बार ही, प्राय अनंत बार हम सभी सिद्धशिला के ऊपर अनंत बार जाके आए हैं, बरोबर है? जैसे जाके आए हैं बोलो भूपेंद्र भाई, बोलो आपके तो बेटे ने इच्छा ली हुई, आपकी भी भावना है, आप सत्संग बहुत करते हैं, बाल बोर जाते हैं, भक्ति करते हैं, तो बताइए जरा कि सिद्धशिला के ऊपर भी हम लोग जाके आए हैं, कितनों को उंगली उठाइए, कितनों को मालूम है कैसे, अरे कितनों को मालूम है, आत्मीचा कीजिए, बस एक को मालूम है, बस इधर से बोलो हाँ, सूक्ष्म निगोद आदि के रूप में, सूक्ष्म पृथ्वी का, सूक्ष्म अपकाय, सूक्ष्म तेव का, सूक्ष्म वायु का है, और सूक्ष्म साधारण वनस्पति का, ये पांच जो स्थावर है ना, इनके दो दो प्रकार है, बादर और सूक्ष्म, जो आंख से हम देखते हैं, अभी आंख से भले नहीं देखते लेकिन माइक्रोस्कोपी अगर देख सकते हैं तो वो बादर ही है, वो सूक्ष्म नहीं कह रहे, सूक्ष्म तो इतना सूक्ष्म होता है कि माइक्रोस्कोप तक से भी देखा नहीं जा सकता है, केवल विशिष्ट ज्ञानी भगवंत ज्ञान दृष्टि से ही देख सकते हैं। यहाँ पर अग्नि जलाया जाए ना तो भी वो सूक्ष्म जीव उससे मरते नहीं, इतने सूक्ष्म होते हैं, बम अणुबम भी यहाँ फोड़ा जाए तो भी वो सूक्ष्म पृथ्वी पानी वायु अग्नि और निगोड़ के जीव उससे प्रभावित नहीं होते, इतने सूक्ष्म होते हैं, लेकिन वो पूरे 14 राजलोक में व्याप्त है, कोई इतनी सी जगह बाकी नहीं है कि जहाँ वो जीव नहीं है। तो इसी प्रकार से सिद्धशिला भी तो कहाँ है, 14 राजलोक के अंडर है, अलोक आकाश में नहीं है, तो इसीलिए सूक्ष्म पृथ्वी पायु वायु अग्नि सूक्ष्म साधारण वनस्पति का है, उसके रूप में हम सिद्धशिला के ऊपर भी अनंत बार जा चुके हैं। शास्त्रकार कहते हैं नसा जाई नसा जौणी नतम खाणम नतम कुलम न जाया न मुआ जप्त सबे जीवा अनंत सो सर्वे जीव, सभी जीव अनंत बार जहाँ जन्म मरण नहीं पाए, ऐसा कोई स्थान, ऐसा कोई कुल, ऐसी कोई योनि नहीं है, तो इसका मतलब कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि जहाँ अनंत बार जन्म मरण हमारा नहीं हुआ है। तो सिद्धशिला के ऊपर जहाँ सिद्ध भगवान, अनंत सिद्ध भगवान आत्मा के अनंत आनंद में रमणता कर रहे हैं, वो बिल्कुल उसी आकाश प्रदेश के ऊपर हम भी थे कई बार अनंत बार निगोर के रूप में, वहाँ नरक से भी अनंत गुणी अव्यक्त वेदना का अनुभव हम कर रहे थे। कहने का मतलब कोई क्षेत्र विशेष का महत्व नहीं है, परम सुख शांति आनंद कहाँ है, सिद्धशिला के ऊपर है, ऐसा ही नाम नहीं, कहाँ है, तो फिर कहाँ है, इसका एड्रेस बताओ,
बताओ हाँ अपने भीतर है या घट भीतर चांद सूरज है याही में ठाकुर द्वारा मेरो मन और ढूंढे अंधी यारा। इसी में सब कुछ है एकम जानाई सो सबम जानाई। जो एक को अपने आत्मा को जान लेता अनुभव कर लेता है, जानना माने किताबों पढ़ करके या प्रवचन सुन करके नहीं, साधना के द्वारा निर्विकल्प चित्त की शुद्धि करते हुए निर्विकल्प नशा कषायों का अनंतानुबंध कषायों का उपशम करते हुए साथ में मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय कर्म की तीन प्रकृतियां उसका भी उपशम करते हुए क्षण भर के लिए भी भीतर निर्विकल्प दशा के द्वारा आत्मा का अनुभव होता है तो वो अनुभव गम्य है। आत्मा इंद्रिय गम्य नहीं है, मनोगम्य भी नहीं है, अनुभव गम्य है। इसलिए हर रोज इसके लिए साधना आपको समझना चाहते हैं ना, अलग अलग कई साधना पद्धतियां प्रचलित हैं। एक शॉर्टेस्ट साधना पद्धति क्या है, एक है डू, एक है नो सजेशन, तीन स्टेप है उसमें। नो सजेशन माने बिना मांगे किसी को सूचन या सलाह देनी नहीं, वर्ण मांगी सलाह आपकी नहीं। हमारे आदत पड़ गई है दुनिया में सबसे सस्ती में सस्ती चीज कौन सी है, दूसरे को सलाह देना। कठिन से कठिन चीज कौन सी है जो हम दूसरे को सलाह देते हैं उसका स्वयं आचरण करना सबसे कठिन है। तो सलाह देते हैं तो अगर सामने वाला नहीं मानता है, नहीं मान सकता है, तो उसके ऊपर नाराजगी होती है, द्वेष आता है, गुस्सा आता है, तो विकल्प मन में चलते हैं। और अगर वो मान लेता है तो फिर राग भी उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए बिना पूछे किसी को सलाह नहीं देनी, तो 50% हमारा मन विकल्प कम हो जाएंगे। बराबर है, मन को निर्विकल्प बनाना है। सबसे पहला है नो सजेशन, चाहे अब पिता है, घर के वरिल है, बेटा का कोई गलती कर रहा है, तो प्रेम से एक आध बार कह सकते हैं, एक बार दो बार, लेकिन अगर वो नहीं मानता है तो फिर अगर वो भी उम्र लायक हो गया है, 20-25 साल का हो गया है, फिर तो प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्र मित्र व आचरे, 16 साल की उम्र हो गई है फिर पुत्र के साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। वो पूछे तो बोलना, गलती करेगा तो अपने आप सीखेगा, गलती करेगा वो तो ठोकर लगेगी तो अपने आप उसी बार सावधान रहेगा, क्योंकि समझदार हो गया है। छोटा बच्चा होता है तब तक ठीक है, आप उसको कुछ सलाह भी दो, सूचन भी दो, प्रेम से भी दो, कभी लाला भी कबो, कभी मेथी पा भी खिलाओ, लेकिन 16 साल हो गया है फिर मित्र की तरह फिर नो सजेशन। वो पूछे पापा इसमें क्या करना, कैसा करना है, तो जरा सलाह देने की नहीं तो नहीं देना, नो सजेशन। फिर दूसरा प्रश्न क्या है, डू नथिंग, कुछ भी मत करो, डू नथिंग। सिद्ध भगवान क्या करते हैं बोलो, अनंत आनंद में है, रमणता करते हैं, कुछ बोलते हैं, शरीर भी नहीं है, वाणी भी नहीं है, मन नहीं है तो सोचना भी नहीं है। तो हमें हर रोज हो सके तो एक समय ऐसा करो, शांत बैठ जाओ, शुरुआत में थोड़ा नाम स्मरण कर लो, नवकार महामंत्र अथवा अरहम नमः ऐसा कोई मंत्र स्मरण कर लो भाव से, माने अशुभ में से शुभ में पहले। हमारा मन अधिकांश तो आत्मज्ञान रुद्र ध्यान भूतकाल भविष्यकाल के विकल्पों में चिंताओं में ही उलझा रहता है, उसमें से पहले अशुभ में से पहले शुभ में आओ, फिर शुद्ध में छलांग लगाना। कोई स्विमिंग बाथ पूल वगैरह है उसमें भी जंपिंग स्थान होता है ना, उधर से आप कूद सकते हैं। उसी प्रकार से पहले अशुभ में से शुभ में और फिर शुभ में से जंप लगा करके शुद्ध में जाने का अभ्यास करना है। तो शुरुआत में थोड़ी देर करके नौकार महामंत्र का अर्थ में उपयोग लगाते हुए भावपूर्वक स्मरण करना, कितना क्वांटिटी नहीं क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना है। तो 5-10-15-10 मिनट नौकार मंत्र का भावपूर्वक अर्थपूर्वक स्मरण करो और उसके बाद बस सब शांत हो, बिल्कुल छोड़ दो, कुछ भी नहीं, अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं, बिल्कुल शांत होकर के भीतर में अपने ध्यान को उपयोग को, आत्मा आखिर पूरे शरीर में है तो कहीं भी चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर रहना भी कहीं पर भी सहज रूप से जहाँ हमारा उपयोग रहता है, लेकिन इतने में रहना चाहिए। बरोबर है, मदारी होता है जो खेल बताता है, वो क्या करता है बंदर को रस्सी गले में है और किले के साथ रस्सी को जोड़ दी है, हाँ दुग्ध की बजाते उसको
बोलते तुझे जितने आए नाचने आए कूदने आए घूमना है फिरना ना, लेकिन इतने इस रस्सी के बाउंड्री के अंदर रहना इससे बात नहीं। हमारा मन भी बंदर से भी ज्यादा चंचल है। मेरो मन बंदरो रे ये तो घनी फटाका मारे, मारवाड़ी गीत है। मेरा मन बंदर जैसा है, बहुत नाचता कूदता है, लेकिन इतने में कहीं भी था तेरे वो जा रहे इतने इधर 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 तो डू नथिंग माने बीच उपयोग को ध्यान को भीतर देखना है, भीतर में देखना है। बात तो बहुत देख लिया, मिला सब क्षणिक था, कितना कचरा देखने के माध्यम से नागता देश का मोह का कितने विकार अंदर में गए। तो बाहर तो बहुत देखा, अभी जरा भीतर की आँख खोलनी है, काटना चक्षु चक्र को खोलना है, ध्यान चक्षु को खोलना है, तो भीतर में देखने का अभ्यास। जैसा है अंधेरे में देखता है अंधेरे के देखो, थोड़ा उजाला दिखता है उसको देखो, सब जो अनुभव हो रहा है जितनी शांति जितनी प्रसन्नता जैसा भी है उसमें परिवर्तन करने का भी विचार मत करो। जैसा है उसका हमको साक्षी रहना है, उपयोग को भीतर में रखना है। बस जितने समय रह सको, हो सके तो दो घड़ी का एक सामयिक होता है ना, लेकिन शुरुआत भले 5-10 मिनट से शुरुआत करो, फिर धीरे 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 समय बढ़ाते 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 48 मिनट का एक सामयिक, उतने समय तक हम एक साथ बैठ सकें इसका अभ्यास प्रतिदिन करो, हर रोज करो। हो सके तो दिन में 2 बार करो, 3 बार करो, नहीं तो 1 बार तो कम से कम जरूर करने का प्रयत्न करो। और तीसरा स्टेज है बी हैप्पी, आनंद में रहो हमेशा बस, क्योंकि आनंद हमारा स्वभाव है। कुछ नहीं करते आनंद में रहते तो हम धर्म कर रहे हैं। हमको लगता है कि कुछ करें शरीर से कुछ धर्म क्रिया करें तो ही धर्म होता है, वास्तव में आनंद में शरीर से धर्म क्रिया पूजा कर रहे हैं, भीतर में अर्थ ध्यान रुद्ध ध्यान चलता है। मुझे उसने ऐसा कहा ही क्यों, मैं भी उसको बता दूंगी क्या बता दूंगा। शरीर से तो धर्म क्रिया करते हैं, लेकिन वो क्रिया धर्म ध्यान में अगर कन्वर्ट हो तो ही वो मोक्ष मार्ग में हमें आगे बढ़ा सकती है और आनंद दिला सकती है। इसीलिए भीतर में ध्यान क्या चल रहा है वो बहुत महत्व का है। शरीर से वाणी से जो करते हैं वो गौण है थोड़ा, लेकिन मन में क्या चल रहा है, दिवसाय हमारे कैसे भाव कैसे हैं, वो ज़्यादा महत्व की बात है। इसीलिए कुछ भी हो जाए भाव बिगड़ने मत दो। पिता के 2-3-4 बेटे हैं, बंटवारा हो रहा है, कोई छोटा भाई या कोई बीच वाला कोई कहता नहीं मुझे इतना मिलना ही चाहिए, घी ढोड़ाई तो है खिचड़ी में अपना ही भाई है, चलो कोई दे दो उदारता रखो, लेकिन ये पैसे तो नाशवंत है, उसके लिए अपने भाव को बिगाड़ेंगे, अपने सगे भाई के प्रति दुर्भाव करेंगे, वैर्भाव होगा। कितने सारे कर्मों में पूरी जिंदगी भर चलते रहे होते रहेंगे, जब जब मिलने का प्रसंग आएगा तब 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 मन में द्वेष भाव जगेगा, कितने कर्मवंद होते रहेंगे। इसे तो अच्छा है कि वो जो चाहिए उसको भाई दे दो, अपन थोड़ा संतोष से कर्कर से जीवन गुजारा करेंगे, लेकिन पैसे के लिए जमीन के लिए मकान के लिए कभी भी झगड़े में मत पड़ो, ठीक है। भाव मत बिगड़ने दो, जब जाए तो जाने दो, मत जाने दो शरीर, कभी ऐसा का मन जाए तो जाने, पैसे या जमीन जो जाए तो जाने दो, मतलब भाव को बिगड़ने मत दो। कभी तो अनंत भवों तक चलता है, मासिक श्रमण के पारने मासिक श्रमण करता था वो अग्निशर्मा तापस, 2 बार पारना फैल गया तो भी क्षमता रखी थी, लेकिन अचानक योगानुयोग भवितव्य तापस 3री बार पारना फैल गया और फिर एकदम नेगेटिव थिंकिंग शुरू हो गया और भव भव गुणसेन राजा को मारने का नियाणा कर लिया। अनंत काल सातों नरक वगैरह में अनंत भवों में भटकने के बाद उसका मोक्ष होगा, जबकि सब वर्णांत उत्सर्ग में क्षमता रखी गुणसेन राजा के जीव ने पॉजिटिव थिंकिंग किया तो 9वें भाव के बाद वो मोक्ष में पधार गए जाते हैं। इसीलिए भाव बिगड़ने मत दो सभी। चलो समय हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्रश्न पूछने वालों को भी और प्रश्न के जवाब शांति से सुनने वालों को सभी को बहुत बहुत धर्म लाभ धन्यवाद। और यहाँ पर पाठशाला की क्या हालत है, सप्ताह में कितने दिन चलती है पाठशाला? शनिवार चालू है, 3-4 छोकरा जावे जे हां ऐसी थी कैसे ऐसा क्यों, इसमें गलती किसकी बोलो, बच्चों की गलती की बच्चों की हमारी, पर ये एक आयोजन बरोबर थई जाए तो बरोबर जाए। आयोजन कहीं कहीं होता भी है तो भी संख्या नहीं बनती है, अथवा शुरू में होती है फिर कम होती जाती है, क्यों? इसमें एक तो हमारे हमें खुद को अपनी जात को जिम्मेदारी माननी है, सोचनी है, माँ बाप अगर आपका बच्चा स्कूल में नहीं जाता है मालूम नहीं जाता है तो चला लेते हैं,
यानी कहने प्रकार समझा बुझा करके पटा करके प्रलोभन ने करके कुछ न कुछ करके भी उसको देश के ही शांत अब रहते हैं। तो इसी प्रकार से पाठशाला बालक नहीं जानता है। देखो चाणसमा मेषाणा के पास में चाणसमा तीर्थ है, भटेवा पाठशाला भगवान का तीर्थ है। वहाँ गबरू भाई नाम के एक श्रावक हो गए, उनको तो नहीं देखा है लेकिन उनके बेटे कंचन भाई को हमने देखा है पालीजाना में। गबरू भाई क्या करते थे, अपना बेटा हर रोज पाठशाला जाता कि नहीं जाता है बराबर ख्याल रखते थे। कहीं कभी पाठशाला के शिक्षक या शिक्षिका को मिलकर के हाजिरी पत्र देख लेते थे, और अगर पता चलता कि मेरा बेटा आज पाठशाला में नहीं गया कहीं खेलने के लिए चला गया मित्रों के साथ, तो बेटा आता है वापस घर तो डांटते नहीं है, उसको मारते भी नहीं है। क्या कहते हैं मालूम, बेटा जाओ जरा अमिल खाते में मेरा कल के लिए अमिल के लिए नाम लिखवा के आओ। क्यों पिताजी, दादाजी कल तो कोई तिथि नहीं है, पर्व तिथि नहीं है, तो कल क्यों आनी है। बच्चा भी इतना समझदार जानता है तिथि कौन सी है, आजकल बड़ों को मालूम है कि तारीख कौन सी है बार मालूम होगा लेकिन तिथि बहुत कम को मालूम होती है। तो उन्होंने संस्कार ऐसे डाले हैं बच्चों में, तो पूछता है तिथि, हाँ तिथि नहीं फिर भी करना है, क्यों क्यों करना है दादाजी, आपकी उम्र है क्यों करो, मत करो। बेटा सच बोलो, तुम पाठशाला में गए थे, तो सच बोल देता है खेलने चला गया था, पीछा भी माफ करो, अब से मैं नहीं करूँगा इसमें बारह, लेकिन आपको आमिल नहीं करना है, नहीं अभी तो आज तो कल को आमिल करना ही है, अगर तू चाहता है कि मैं चाहे आमिल नहीं करूँ फिर ऐसा इस प्रकार से अपने ऊपर ले लेते हैं। तो आपका बेटा या बेटी जो भी पाठशाला नहीं जाते तो उसके लिए आपने कभी ऐसा प्रयोग किया नहीं किया तो अभी से करना, ठीक है। हाँ माँ ने अपने बेटे को कहा था बेटा सिनेमा मत देखना कभी, एक बार ऐसा हुआ माँ बाहर गई थी काम और उनके दोस्त यार आए, दोस्त सभी आग्रह करके ले गए सिनेमा में। दूसरे दिन माँ घर में आई, पड़ोसियों से पता चल गया, माँ ने बेटे को कुछ नहीं डांटा, चुपचाप उसने उपवास, एक उपवास दो उपवास तीसरा उपवास हो रहा था, बेटे को ख्याल में आया अरे माँ आजकल तुम खाती भी नहीं दिखती क्या बात है। कुछ नहीं बेटा ऐसे नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत बराबर है, तो तेला अठम चल रहा है, क्यों अठम क्यों, अभी तो कोई तिथि नहीं है अठम क्यों अठम। फिर धीरे से वो बताती है बेटा मुझे ऐसे समाचार मिले हैं कि मेरी अनुपस्थिति में तू पितरों के साथ सिनेमा देखने गया, अच्छी बात है। हाँ माँ क्या करूँ, माँ मैं तो बहुत ना कही लेकिन वो माने नहीं, जबरदस्ती मुझे ले ही गए। बेटा इसमें तेरी गलती नहीं है, तेरे में संस्कार डालने में मेरी कुछ कमी रह गई है, नहीं तो कितना भी वो आग्रह करते तू मक्कम रह सकता, लेकिन मक्कम न रह सका इसमें तुम्हारी कुछ तेरी गलती नहीं है, तेरे में संस्कार डालने में मेरी कुछ कमी रह गई है, इसके प्रायश्चित के रूप में बेटा मैं तेरे लिए, तू चिंता मत कर। और बेटा की आंख में से आंसू जाता है, माँ के चरणों में गिर पड़ता है और वचन देता है, प्रॉमिस देता है कि भी कुछ भी हो जाए मैं कभी भी सिनेमा देखूंगा नहीं। इस प्रकार से उसका प्रायश्चित स्वयं को करना चाहिए, माँ बाप बगड़े बड़ी लोगों को तो अपने आप को उस असर होगा, उसको डांटेंगे धमकाएंगे उससे फायदा इतना नहीं होगा, लेकिन वो अगर नहीं करता है तो उसके प्रायश्चित रूप में उसको पता चले धीरे धीरे कि मैं पाठशाला नहीं जाता हूँ तो नहीं जाती, इसके लिए मेरी माँ ऐसा कर रही है, तो माँ के प्रति तो लगाव होता है बच्चे को, तो फिर अभी ऐसा प्रयोग करेंगे। अभी हम कुछ दिनों से जहाँ जहाँ जाते हैं पाठशाला हम लेते हैं शाम को, तो यहाँ पर भले चार पाँच बच्चे आएंगे चार पाँच चलेगा भेजेंगे, चलो आज तो भेजेंगे पाठशाला के रूप में नहीं, महाराज सब कहानी करेंगे वार्ता करेंगे कथा सुनाएंगे, तो वार्ता या कथा की जैसी है आबाद वृद्ध सभी को प्रिय लगती है ना, कितना मोकलास हो कोशिश तो कर जो, हाँ प्रयत्न पूरा कर जो, तो बोलो नहीं करोगे मैं कल उपवास करूंगी नहीं जाओगे, पाठशाला के रूप में अभी कथा महाराज सर के पास वार्ता सुनने के लिए जाना है, फिर क्या खर्च है बोलो, कि आपके बच्चे भी साथ में हैं भी नहीं और कहीं कच्छ में है कहीं पर है, कितने भेजेंगे बोलो, उसी कीजिए कोशिश करना, हाँ सभी करना, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो क्या प्रॉब्लम है, टाइम क्या रखेंगे, दोपहर को चार से पाँच जमेगा नहीं, शाम को छः से सात, सात से आठ, आठ बजे भले चलो आठ बजे चलो, बस बच्चों की जो सुविधा आपकी जो सुविधा हम हमारा जो है जो नित्य क्रम उसके अनुसार हम एडजस्ट कर लेंगे, तो आठ बजे सभी को अपने बच्चों को भेजना है, कहानी आज के लिए पहली बात है, लेकिन फिर की हमेशा के लिए भी जरा कौन पढ़ाते कौन है पाठशाला,
शिक्षिका कौन है? एक ही है वास्तव में। क्या होना चाहिए बच्चों को, केवल खाता क्या लेन देन नहीं हो तो हो, लेकिन साथ में कभी कभी उसका अर्थ समझाना चाहिए, कभी कभी प्रश्नोत्तरी का आयोजन करना चाहिए, कभी कभी कथा वार्ता का आयोजन करना चाहिए, कभी कोई स्पर्धा का आयोजन करना चाहिए, रोज प्रभावना और अक्षर इनाम वगैरह का आयोजन भी होना चाहिए। कभी कभी आजकल कई जगह पे प्रोजेक्टर के माध्यम से स्क्रीन के ऊपर से भी सिखाते हैं ताकि बच्चों को आकर्षण रहे, तो ऐसे सब करना चाहिए। एक तो पढ़ाने वाले को ये ख्याल में रखना है, संघ साथ के संघ के ट्रस्टी वगैरह जो अधिकारी लोग उनको भी ख्याल रखना है, प्रभावना इनाम वगैरह का व्यवस्थित आयोजन होता रहे, और कभी साल में एक आध बार कभी तीर्थ यात्रा के लिए कभी आयोजन बच्चों के लिए करना चाहिए, तो ही पाठशाला अच्छी चल सकती है। भारत भर में नंबर वन पाठशाला कौन सी है मालूम है क्या? बेंगलोर में है लब्धीश्वरी पाठशाला, पूरा दिन 6-7 घंटे चलती है, सब छोटे बड़े सब आते हैं उसमें, संस्कृत तक भी पढ़ाया जाता है, उसमें जीव विचार नवतत्व संग्रहणी कर्म ग्रंथ तक भी पढ़ाए जाते हैं, ऐसे अच्छे टीचर भी रखे हुए हैं, एक आदर्श पाठशाला है। चलो समय बहुत हो गया है, इसलिए अभी ज़्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो आज रात को 8 बजे जरूर अपने बच्चों को भेजना, ठीक है? धन्यवाद गौरी। और हर संडे जो बच्चे पूजा करें उसके लिए प्रभावना का आयोजन ये है कि नहीं है? यहाँ पर कई जगह समय में ऐसा होता है, रविवार रविवार छुट्टी होती है, हर रोज प्रभावना होती है, शनिवार एक बार बस एक बार से क्या होगा छोकरा आते तो हमें मैंने क्या ख्याल रहे होगा क्या भावी पीढ़ी भविष्य क्या होगा जिन शासन का हमारे समाज का दस का क्या होगा? नहीं बच्चे अगर नहीं जुड़ेंगे देवभूत बचपन में संस्कार नहीं पड़ेंगे तो बड़े होने पर क्या फिर संस्कार हो सकते हैं? आका घरे कांठा चढ़े। अभी तो ठीक है चतुर्मास जब भी हो जरा तब अच्छी मेहनत करना, साधु साधी शादी जी बगल जो भी चतुर्मास हो उनके माध्यम से प्रेरणा करके अच्छी तरह प्रारंभ करना पाठशाला का, और फिर वो अच्छी तरह चलती रहे उसके लिए जरा विशिष्ट आयोजन व्यवस्थित कर रहे हैं। अभी तो हम एक दिन के लिए अभी आए हैं क्योंकि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पहुँचना पड़ता है, इसीलिए ज़्यादा रुक नहीं पाते हैं। सभी समूह की भावना तो होती है मां साहब रुको रुको और क्या करें, जहाँ जहाँ हमारे कुछ तो कुछ प्रसंग होते हैं संघों में तो वहाँ हमें पहुँचना निश्चय लेने के लिए पहुँचना पड़ता है। सारे 2-3 साल में एक बार होता होगा। चलो परम कृपालु परमात्मा ने कोटि कोटि वंदन। परम पूज्य सर्वे अचल गच्छाधिपति आचार्य भगवंतों ने कोटि कोटि वंदन। वर्तमान अचल गच्छा